ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज है अव्यक्त मुरली 245, 18 जनवरी 1975, सेकंड पार्ट है। आज की मुरली का विषय है शिव बाबा सब केंद्रों से, सेवा केंद्रों से आए हुए वत्सों से बोले। मधुबन रूपी परिवर्तन भूमि पर पवित्रता का वरदान देने वाले शिव बाबा सेवा केंद्रों से आए हुए वत्सों से बोले, मधुबन की क्या महिमा करते हो? मधुबन की क्या महिमा करते हो? कहते हो कि ये परिवर्तन भूमि है। मधुबन क्या है? परिवर्तन भूमि है। आप सभी परिवर्तन भूमि या वरदान भूमि में आए हुए हो। स्वयं में व अन्य में वरदान का अनुभव करते हो। यहां आना अर्थात वरदान पाना, परिवर्तन करना, वरदान पाना माना परिवर्तन करना। अब क्या परिवर्तन करना है? जो विशेष कमजोरी व विशेष संस्कार समय प्रति समय विघ्न रूप बनता है, ऐसा संस्कार व ऐसी कमजोरी जहां परिवर्तन करके जाना, तभी कहेंगे स्वयं में परिवर्तन लाया। तब वो कहेंगे कि वहां जाने से कुछ परिवर्तन हुआ। विशेष उमंग उत्साह और लगन से यहां तक पहुंचते हो तो यहां मधुबन में अपनी लगन को ऐसी अग्नि का रूप बनाओ कि जिस अग्नि में सर्व व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां व सब रहे हुए पुराने संस्कार भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। मधुबन को कहा जाता है अश्वमेघ रुद्र ज्ञान महायज्ञ। अश्वमेघ रुद्र ज्ञान महायज्ञ। यज्ञ में क्या किया जाता है? स्वाहा किया जाता है। आप बच्चे भी अमृत वेले उठ रोज यज्ञ रचते हो लगन की अग्नि। जिस लगन रूपी अग्नि में अपनी कमजोरी स्वाहा करते हो, लेकिन यह महायज्ञ है। मधुबन में आना माना महायज्ञ में आना। मधुबन को क्यों महायज्ञ कहा है? क्योंकि यहां अनेक आत्माओं की लगन की अग्नि का समूह है, लगन की अग्नि का समूह है, तो इसका लाभ उठाना चाहिए ना। जैसे कई बार स्वतः प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो, वैसे ही मधुबन में आप भी ऐसी प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प लेते हो। क्या समझते हो? क्या ऐसी आहुति डालते हो जो आगे के लिए समाप्त हो जाए? महायज्ञ में महा आहुति डालनी चाहिए, साधारण आहुति नहीं। अनेक आत्माओं के लगन की अगन की सामूहिक आहुति डाली है। यहां से जाते हो, डाल कर जाते हो, या अब वापस ली है, वापस लेके जा रहे हो, या सोचते हो कि किस प्रकार के तिल व जौ डाले। आहुति कौन से तिल और जौ की डाले? चेक करते हो जितकी जितनी बार महायज्ञ में आते हो, महायज्ञ में आहुति डालते हो, संपूर्ण समर्पण हुए हो, या वापिस ले जाते हो।
आहुति संपूर्ण समर्पण हो जाती है या रह जाती है। क्या ऐसा तो नहीं सोचते कि ये पुरानी दुनिया में काम आएगी? ऐसे ऐसा होता है, कमजोर आदमी हाथ खींच लेते हैं। अगर आहुति डालने वाले कमजोर हों तो सेक ताव भी होने के कारण आधी आहुति बाहर गिर जाती, आधी अंदर जाती रह जाती है। यहां भी सोचते हैं कि करें या ना करें, होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं। तो बुद्धि रूपी हाथ आगे पीछे करते रहते, इसलिए संपूर्ण स्वाहा नहीं होते हो। किनारा रह जाता है, बिखर जाता है। जब संपूर्ण स्वाहा नहीं तो संपूर्ण सफल नहीं होता। सोचते ज्यादा हो, करते कम, तो फल भी कम मिलेगा। पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है, तो कर्म में बल भी नहीं, और इसलिए फल भी कम होगा। फिर क्या कहते हो, आधा यहां आधा वहां बिखेर देते हो तो सफलता नहीं हुई ना, पूरी सफलता नहीं मिली ना। अभी आप सबको रिजल्ट क्या हुई? सफलता हुई? यज्ञ में संपूर्ण आहुति रही या बिखर गई? आप सब की अब की रिजल्ट बिखरना माना रह गया है। अभी तो जो सोचना है वे प्रैक्टिकल भर करके जाना है कि आज से ये कमजोरी फिर नहीं आएगी। संपूर्ण समर्पण करने का साहस है या कम है? विनाश ना हुआ तो स्वर्ग ना आया, विनाश तो ना हुआ तो स्वर्ग ना आया, फिर पहुंचेंगे या नहीं? फिर लोग क्या कहेंगे? ऐसे होशियार नहीं बनना। सबकी यही हालत है, सहज हाथ आगे बढ़ाते हैं, सेक आता है तो हाथ खींच लेते हैं, हिम्मत आती है, थोड़ा सा विघ्न आता है तो कदम पीछे चल पड़ते हैं। ऐसों की गति क्या होगी? ऐसों की गति क्या होगी? गति सदगति को भी तो जानते हो ना। नॉलेजफुल होते हुए अगर कोई ना करे, नॉलेजफुल होते हुए ना करे तो क्या कहेंगे? उनको वापस लिया तो क्या गति होगी? जानबूझकर पे करके भी अगर ना करे तो क्या कहेंगे? लाइट रूप और माइट रूप होते हुए भी क्यों नहीं कर पाते हो? कारण क्या है? नॉलेज तुम्हारी बुद्धि तक है, समझ तक है, ठीक है, जानते हो, लेकिन नॉलेज को प्रैक्टिकल में लाना और समाना नहीं आता है। भोजन है, खाते भी हैं, पर तो खाना अलग बात है, खाकर हजम करना अलग। समाते नहीं हो, हजम नहीं होता, रस नहीं बनता, रस नहीं बनता और शक्ति नहीं मिलती। जीभ तक खा लिया तो रस नहीं बनेगा, जीभ तक खा लिया शक्ति नहीं मिलती, समाने के बाद ही शक्ति का स्वरूप बनता है। जब उसको रस बनेगा फिर उसको शरीर में समाओगे, टाइम तो लगेगा ना। समाया नहीं तो
जीब्रा से समाया तो शक्ति है, सुनने का रस आया, ज्ञान सुना, रस आया, समझ में आया, समझा, परंतु समाया नहीं, प्रैक्टिकल में लाया नहीं। जितनी धारणा में आता है संस्कार बन जाता है, तभी प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप दिखाई पड़ता है। नॉलेजफुल का अर्थ क्या है? नॉलेजफुल का अर्थ है हर एक कर्म इंद्रियों में नॉलेज समा जाए, हर कर्म इंद्रिय में क्या समा जाए, नॉलेज, मतलब हर कर्म इंद्रिय नॉलेज के अनुसार ही कर्म कर, हर एक कर्म। क्या करना है क्या नहीं, तो धोखा खाने की बात रहेगी। जब समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं, तो धोखा खाने की बात रहेगी। आंखें और वृत्ति धोखा नहीं खाएंगे। जब आत्मा में नॉलेज आ जाती है तो सर्व इंद्रियों में नॉलेज समा जाती है। जैसे भोजन से शक्ति भर जाती है तो शक्ति के आधार से काम होता है। अभी नॉलेज का को समाना, हर के कर्म इंद्रियों को नॉलेज फुल बनाओ, हर कर्म इंद्रिय को नॉलेज फुल बनाओ। हर वर्ष आते हो कहते हो कि अब करूं, वायदा करके जाते हो, अभी कब पूरा होगा, क्या कारण है? जो तुम सोचते हो और जो कर्म करते हो उसमें अंतर होगा, क्या कारण है? जो तुम सोचते हो और जो कर्म करते हो उसमें अंतर क्यों, हमारे सोचने और करने में अंतर क्यों, कारण क्या? सोचते हो फुल करने की बात और होती है आधे, इतना अंतर पड़ने का कारण क्या? प्लान भी खूब रचते हो, उमंग भी खूब लाते हो और समझ कर वायदा करते, सब बातें आएंगी ही लेकिन प्रैक्टिकल और समझ में अंतर आ जाता है। इसका कारण क्या है? संस्कारों की आहुति करके जाते हो। फिर सब कहां से आया? स्वाहा करके जाते हो फिर क्यों आता है? देह अभिमान अलबेलापन वापिस क्यों लौट आता है? कारण क्या है? कारण है कि संकल्प करके जाते हो, स्वाहा करने का संकल्प के साथ साथ जैसे बीज बोते हो, बाद में संभाल करते हो, बीज तो बो दिया उसकी संभाल नहीं करेंगे तो सड़ जाएगा। इसमें जो संभाल चाहिए वो संभाल नहीं रखते, समय प्रमाण उनकी आवश्यकता रखनी चाहिए। आप बीज डालकर अलबेले हो जाते, सोचते हो कि बाबा को दिया,
अब बाबा जाने, ये बाबा का काम है, आप उसकी पालना नहीं करते हो। तो वाचा और मनसा पर अटेंशन चाहिए। पालना नहीं करते हो, मनसा पर, वाचा पर और मनसा पर क्या चाहिए? अटेंशन। जैसे बीज बोकर पानी डालते हो कि बीज पक्का हो जाए, बीज को रोज पानी देना होता है, वैसे ही संकल्प रूपी बीज को रोज रिवाइज करना है। उसमें कमी रह जाती है और आप निश्चिंत हो जाते हो, आराम पसंद हो जाते हो। आराम पसंद के संस्कार नहीं, मगर चिंतन का संकल्प होना चाहिए। एक एक संस्कार की चिंता लगनी चाहिए। पुरुषार्थ की एक भी कमी का दाग, पुरुषार्थ की एक भी कमी का दाग बहुत बड़ा देखने में आता है। फिर हमेशा ख्याल आता है कि छोटा सा दाग मेरी वैल्यू कम कर देगा। चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए। चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए। वे नहीं तो अलबेलापन। टेंशन तो नहीं, क्योंकि दाग मेरी वैल्यू कम कर देगा, तो वो चिंतन भी चिंता के रूप में होना चाहिए कि थोड़ा सॉरी होना चाहिए। मतलब रूप दिया है बाबा ने, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि भी हम दुखी हो जाएं। मतलब जैसे मतलब हम उसको बहुत इतना स्ट्रांग रहे उसके प्रति कि हमें दाग नहीं रहने देना है। चिंतन चिंता के रूप में होना चाहिए। जैसे चिंता होती है ना, दर्द होता है, लापरवाही नहीं, वे नहीं तो अलबेलापन। कहते हो करते नहीं हो, जो पीछे की युक्ति है उस दाग है उसे प्रैक्टिकल में लाओ। आराम पसंदी देवता स्टेज का संस्कार है। आराम पसंदी देवता स्टेज का संस्कार है। वे ज्यादा खींचता है संगम युग के ब्राह्मण के संस्कार जो त्याग मुहूर्त के हैं, वो कम इमर्ज होते हैं। त्याग बिना भाग्य नहीं बनता। अच्छा कर लेंगे, देखा जाएगा। ये आराम पसंदी के संस्कार हैं, जरूर करूंगा। ये ब्राह्मण पन के संस्कार जरूर करूंगा। लौकिक पढ़ाई में जिसने जिसको चिंता रहती है वो पास होता है, उसकी नींद फिट जाती है, रात को उठ करके भी पढ़ेगा। जो आराम पसंद है वे पास क्या होंगे, वे पास क्या होंगे? अभी सोचते हो कि प्रैक्टिकल करना है, चिंता लगनी चाहिए। शुभ चिंतन संपूर्ण बनने की चिंता कमजोरी को दूर कर। और प्रत्यक्ष फल देने की चिंता,
प्रत्यक्ष फल देने की चिंता। इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु हैं, नंबर एक मधुबन अविनाशी रुद्र ज्ञान महायज्ञ। इस महायज्ञ में अपनी लगन को ऐसी अग्नि बनाओ जिस अग्नि में सब व्यर्थ संकल्प, सर्व कमजोरियां व सब रहे हुए पुराने संस्कार बिल्कुल भस्म हो जाएं। नंबर दो, बुद्धि में नॉलेज तो है लेकिन नॉलेजफुल नहीं बने हो। नॉलेजफुल का अर्थ है कि हर एक कर्म इंद्रियों में नॉलेज समा जाए। तो जैसे भोजन खाने से साथ ही समाने अर्थात हजम करने से शरीर में शक्ति आती, भोजन हजम करेंगे तो वैसे ही तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली बनती है। वैसे ही तुम्हारी आत्मा क्या बनती है? शक्तिशाली बनती है। नंबर तीन, जितना ज्ञान धारणा में आता है वे संस्कार बन जाता है, तब ही प्रैक्टिकल सफलता का स्वरूप पड़ता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम नहीं, ओम शांति।